हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत सिंह एंड यू आर वाचिंग जी बिजनेस। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैसा वसूल। हर म्यूचुअल फंड का अपना एक रिस्कोमीटर होता है। ये रिस्कोमीटर ये बताता है कि जिस फंड में आप अपनी कड़ी मेहनत का पैसा लगा रहे हैं उसमें रिस्क कितना है। लो, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई या फिर वेरी हाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को भी उनके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और अगर आपको एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अपनी रिस्क कैटेगरी पता चल जाए और उसी हिसाब से अपने से मिलते जुलते रिस्कोमीटर वाले फंड में आप पैसा लगाएं तो मैक्सिमम पैसा वसूल हो सकता है। लेकिन आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल है क्या, कैसे पता लगाएंगे, यही सब बताएंगे आज के इस पैसा वसूल के एपिसोड में। एक्सपर्ट्स ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को बेसिकली तीन प्रोफाइल में डिवाइड किया है, एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। अब आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, मॉडरेट इन्वेस्टर हैं या फिर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, ये डिपेंड करेगा दो फैक्टर्स पे। नंबर वन, रिस्क कैपेसिटी और नंबर टू, रिस्क एवर्जन। रिस्क कैपेसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू टेक रिस्क। आपकी रिस्क लेने की शक्ति क्या है, क्या पोटेंशियल है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और रिस्क एवर्जन का मतलब है विलिंगनेस टू एज्यूम रिस्क, यानी कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं या रिस्क लेने की उत्सुकता या तत्परता कितनी है आपके अंदर। अब अगर आपकी रिस्क लेने की विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों ही लो हैं तो म्यूचुअल फंड की भाषा में आपको कंजर्वेटिव इन्वेस्टर माना जाएगा। अगर आपकी रिस्क लेने की विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों ही हाई हैं तो म्यूचुअल फंड की भाषा में आपको एग्रेसिव इन्वेस्टर माना जाएगा। लेकिन अगर आपकी रिस्क लेने की विलिंगनेस हाई है लेकिन एबिलिटी लो है या फिर एबिलिटी हाई है लेकिन विलिंगनेस लो है तो म्यूचुअल फंड की भाषा में आप मॉडरेट इन्वेस्टर कहलाएंगे। अब ये तो क्लियर हो गया कि आप पता कैसे लगाएंगे कि आप कौन से इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव हैं, मॉडरेट हैं या कंजर्वेटिव हैं। अब बात आती है कि किस टाइप के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को किस टाइप के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। अगर आप कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो एक्सपर्ट्स की राय में आपको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में पैसा लगाना चाहिए, जैसे कि डेट फंड्स। अगर आप एग्रेसिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो एक्सपर्ट्स की राय में आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहिए। और अगर आप मॉडरेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में आप अपना पैसा लगाइए, जैसे कि बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स। कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अच्छा तब माना जाता है जब इन्वेस्टर अपनी रिस्क कैपेसिटी और रिस्क एवर्जन के हिसाब से पैसा लगाए, यानी कि अगर आप एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अपने रिस्क प्रोफाइल और फंड के रिस्कोमीटर को ध्यान में रखकर पैसा लगाते हैं तो आपको बम्पर मुनाफा हो सकता है। तो ये थी रिस्क प्रोफाइलिंग के जरिए म्यूचुअल फंड से पैसा वसूल की बात। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और आपको बताएंगे कि पैसा वसूल कैसे करना है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वसूलिंग पैसा, क्योंकि पैसा लगाया है तो वसूलना तो बनता है।